वैसे वर्ल्ड कप 2023 बड़ा ही उलटफेर करने वाला वर्ल्ड कप रहा है। 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया अपने शुरुआत के दोनों मैच हार जाती, और फिर हमको लगता है कि इस बार की ऑस्ट्रेलिया में वो दम कहाँ जो पहले था। लगातार 2 हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने कहा, रुको जरा, सब्र करो, अभी बहुत देर नहीं हुई। फिर उसने वापसी की, और क्या गजब की वापसी की। उसके सभी खिलाड़ी फॉर्म में आ गए, और नीदरलैंड के खिलाफ तो मानो तूफान आया था मैक्सवेल का। 40 गेंदों में सैकड़ा लगाकर वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक ठोक डाला। उसके सभी खिलाड़ी फॉर्म में, लवशेन रन बना रहे हैं, डेविड वार्नर रन बना रहे हैं, स्टीवन स्मिथ फॉर्म में आ गए, मिचेल मार्श विकेट ले रहे हैं, एडम जाम्पा की स्पिन गेंदबाजी बखूबी चल रही है। उलटफेर की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, जिसने शुरुआत बहुत अच्छी की, उसने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया, इंग्लैंड को पराजित किया, लेकिन वह नीदरलैंड से हार जाती, इंग्लैंड अफगानिस्तान से हार जाती, पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने पटक दिया, और कल के हुए मैच में श्रीलंका ने इंग्लैंड को फिर से पराजित किया। वैसे श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड का ये आंकड़ा आज का नहीं, पुराना है। लगातार 5 हुए वर्ल्ड कप, 2007, 2011, 2015, 2019 और कल 2023 वाले वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने इंग्लैंड को लगातार 5वीं बार पराजित किया। बात करें आज के मैच की, पाकिस्तान वर्सेस दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की तूफानी बल्लेबाजी, जहां उसके बल्लेबाज गेंदबाजों के धागे खोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ लड़खड़ाती पाकिस्तान, जो कि गेंदबाजी के लिए जानी जाती है, पर उसकी गेंदबाजी इस वर्ल्ड कप में दिखी नहीं। वैसे दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ जीत का प्रतिशत जो है 62% का है। तो आज का मैच देखते हैं कौन जीतता है, मज़ा तो आने वाला है आज भी।